इलेक्शन कमीशन अरकान की तैनाती का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के दो नए मेंबरान की तैनाती का सदारती नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। स्पीकर कौमी असेंबली और चेयरमैन सेनेट पर पूरा एतमाद है, मामला पार्लियामेंट में ही तय होना चाहिए। अदालत ने रिमार्क देते हुए केस की मजीद समाअत 5 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इलेक्शन कमीशन अरकान की तैनाती का मामला हल ना हो सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सदारती नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए आइंदा समाअत तक मेंबरान की तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल रखने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्ला ने कहा कि मामला पार्लियामेंट में ही तय होना चाहिए। स्पीकर कौमी असेंबली और चेयरमैन सेनेट पर पूरा एतमाद है, पार्लियामेंट की तौकीर हमारे लिए मुकदम है। पार्लियामेंट में मुंतखब नुमाइंदों को ऐसे फैसले खुद करने चाहिए। वकील ने मौकफ अपनाया कि 3 मीटिंग्स हुई हैं लेकिन हालात खराब होने की वजह से कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जिस मामले का आप हवाला दे रहे हैं उसको भी पार्लियामेंट में हल होना चाहिए। अदालत ने इस्तफसार किया कि अभी कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को कितना वक्त चाहिए, जिस पर वकील ने इस्तदाकी के 4 हफ्ते का मजीद वक्त दे दिया जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिटायरमेंट भी करीब है, आप जल्द इसको हल कर लें। इलेक्शन कमीशन इस वक्त तकरीबन गैर फाल है, 7 दिसंबर से पहले ये मामला हल करके अदालत को आगाह करें। अदालत ने केस की मजीद समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी।